जल्दी जल्दी करो, मुझे फांसी दो। आखिर हुआ क्या? मैं आपको बताता हूँ आखिर हुआ क्या है। चलो आज फुल बेईमानी करनी है, ठीक है? जो बंदा है ना, खुल के पैसा लेना है, फुल करप्शन करनी है, ठीक है? और क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या हो गया है? मेरी घड़ी चोरी हो गई है। किस पर तुम्हें शक है? आप पर। कितने की घड़ी थी तुम्हारी? 5000 की। हमने तो 2500 की बेची है। बैठो करते हैं तुम्हारा कोई बंदोबस्त। बैठो हाय हाय, तो जाना है, थक गया। क्या हुआ, किस बात का इंसाफ? शक्ल से तो मुझे चोर लगता है सरदार। रात में एक घर के चोरी करने के लिए गया। खड़ा हो। आप बात बता। मैं घर की चोरी करने के लिए रात को गया, तो मैंने उसकी छत के ऊपर छलांग मारी, वो छत गिर गई और इतनी उसमें कपड़े की छत लगाई हुई थी। तो इसने दो नंबर छत लगाई हुई थी। उसके खिलाफ मुझे एक्शन लें कोई। जाओ उसको बुला के लाओ, घर के मालिक को बुला के लाओ। अभी सरदार मेरी घड़ी। बैठो देते हैं घड़ी आपको। सरदार मालिक आ गया, ले आए इसे। हाँ भाई, आपने इसको छत पर, इसने आपके छलांग लगाया, कपड़ा क्यों लगाया था उधर? ये तो मालिक वही चोर है जो रात को मेरे घर में कूदा था। इसीलिए तो इंसाफ लेने आया। ये तो फिर आपने कपड़े वाली छत क्यों लगाई? फांसी होगी, अब आप सबको फांसी होगी। अरे ये तो बहुत मसला हो गया, इस सरदार को किसी न किसी तरह चक्कर देना पड़ेगा। सरदार इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं जब कपड़ा बुन रहा था तो एक कबूतरबाज मेरे पास बैठा था, ठीक है? तो मैं उसे देखता रहा और उसको देखता मेरा जो कपड़े का धागा था वो कमजोर लग गया मुझे, तो इसलिए सारा कसूर तो उसका हुआ ना। ना ना ना, उसका कसूर नहीं हुआ। नहीं सरदार, आप उसे बुलाए तो सही। घड़ी देखते हैं, घड़ी यार आपको बार बार घड़ी, ये लो ये जान छोड़ो, ये लो मेरी घड़ी ले जाओ आप। सरदार ये तो 150 वाली, 150 वाली में यही है, ले जाओ बस। सरदार आप उस कबूतर वाले को बुलाए, कबूतर वाले को बुलाओ, कबूतर वाले सारा इंसाफ हो जाएगा। बहुत इंसाफ प्रसाद पसंद है। मुझे तो लग रहा है ये कसूर कबूतर वाले का है। कबूतर वाले को बुलाओ, बुला के लाए, अभी बुला के लाए। सरदार मैं जाऊं? नहीं सरदार, ये 150 वाली मेरी नहीं है, यही घड़िया रखो, नहीं तो इसको भी फांसी दो। मुझे इसको भी फांसी दो। कब आएगा वो यार? आ जाते हैं बैठो आ जाते हैं। सरदार कबूतर वाला आ गया। वाह सरदार वाह, बड़ी महफिल लगाई है। इधर आओ ना, आज तुम्हें फांसी मिलेगी। तुम्हें पता नहीं, तुमने जो जब ये कपड़े की, जब ये चोरी करने गया, उसके घर गया चोरी करने, तो उसकी कपड़े वाली छत थी, ये तो मरते मरते बचा है। अब जब मैंने जिसको बुलाया, इससे इसने कपड़ा लिया, उसने कहा जब मैं कपड़ा उड़ रहा था वो कबूतर उड़ा रहा था, सारा कसूर तो आपका हुआ ना। सरदार ये उसके घर चोरी क्यों करने गया? वो चोरी करने गया था, वो गया है चोरी करने, उसको उसकी सजा मिलेगी, ठीक है? वो मरते मरते बच नहीं गया, ठीक है? अब आपको फांसी भी लगी, आपकी वजह से उसने कपड़ा हल्का लगाया है और वो गिरा है, वो मरते मरते बचा है, अब आपको फांसी होगी। सरदार नहीं, सरदार वाह, सरदार तेरा इंसाफ। वाह सरदार वाह, तेरा इंसाफ। फांसी तो सरदार चोर को देनी चाहिए जिसने चोरी की। सरदार हमारा क्या कसूर है? बात तो ये सही कर रहा है इसको, ठीक है भाई, सजा आपको मिलेगी, चोरी आपने की है, सजा आपको मिलेगी। तो इसके लिए जनाब आपको सजा मिलेगी, ठीक है? तो आप तैयार हो सजा के लिए? तुम्हें तो फांसी अब होगी। चलो ठीक है, मुझे फांसी कबूल है। इधर आओ। इतनी जल्दी फांसी के लिए तुम मान क्यों गए? भाई अगर मैं जल्दी मर जाऊंगा तो अल्लाह क्या पता मेरे गुनाह बख्श दे और मुझे जन्नत में हूरे मिले, शहद की नहरें मिले, दूध की नहरें मिले। ऐसा है क्या? हाँ जी। फिर तो मैंने भी घड़ी चोरी की है, मुझे सजाए मौत दी जाए, मुझे फांसी दी जाए। आप भी मरे। हाँ जी।